चलिए अब आपको मैं आज सारे बच्चों से मिलवाता हूँ जो एनआईटी भोपाल में काउंसलिंग के लिए आए थे। सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, कुछ बच्चे उन्होंने अलग अलग जगह पे काउंसलिंग अटेंड की थी, उनसे भी बाद में मिलवाऊंगा। और इन सब बच्चों को अभी अवार्ड सेरेमनी हमारी कंप्लीट हुई है, अब मैं आपके साथ इनके रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। और एक एक बच्चे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे सेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको दूंगा, तो ये सेशन जरा आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सेशन कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन की, कुछ ने फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की, कुछ ने फर्स्ट ड्रॉप लिया, कुछ ने सेकंड ड्रॉप लिया, ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाई करी, किसी ने क्लासरूम में पढ़ा, किसी ने ऑनलाइन विद क्लासरूम पढ़ाई करी। ये सारे कॉम्बिनेशन हैं, तो आप जब बच्चों से मिलोगे तो आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे और आप भी समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया जाए। और राइट डिसीजन का राइट टाइम वही होता है जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपको एमसीए कोर्स करना है या आपको कोई और कोर्स करना है, जो भी, तो उसका एक डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए और प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए। जैसे ये सक्सेसफुल हुए हैं वैसे आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो जब भी बनता है जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाता है। ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाए और आज अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट हुए हैं। त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, कैलीकट, मैनेट, रायपुर, ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो इनके एक्सपीरियंस सुनिए। और जहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझसे जरूर पूछिए। इन बच्चों का अवार्ड सेरेमनी हो गया है और बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, वो फंक्शन की क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब इनके साथ मैं आपके कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन वीडियोज देखते हैं, तो ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि हमें किस ढंग से पढ़ना चाहिए। ये लक्ष्य है बच्चा, ये पानीपत हरियाणा से आया हुआ है, ऑल इंडिया 36 रैंक है और इसको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार। और कुछ बातें बता दूं मैं, क्योंकि कुछ बच्चों के एक्सपीरियंस सुनने से कहीं ना कहीं हम अपने आप को रिलेट करते हैं, तो मैं आपको कई सारे बच्चों के एक्सपीरियंस मिलवाऊंगा जो बच्चे सिलेक्ट हुए एनआईटी त्रिची में, इलाहाबाद में, सूरतकल में। इन सबके एक्सपीरियंस जब आप जानोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाओगे। कुछ बच्चों ने ड्रॉप लिया, कुछ ने सेकेंड ड्रॉप भी लिया, कुछ ने ड्रॉप नहीं लिया, जैसे फाइनल ईयर के साथ इसने दिया, इसने कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी की क्योंकि इसने पहले पेनड्राइव लिया था, फिर दिसंबर में ये भोपाल आया। भोपाल में आके इसने केवल भोपाल इसलिए आया था कि वन वीक के लिए, क्योंकि मैं सारे ऑनलाइन वाले बच्चों को बोलता हूं अगर आपकी ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं हो पा रही तो एक बार आके देखो, एक आध हफ्ते पढ़ोगे यहां पर तो समझ में आ जाएगा, फिर घर जाके पढ़ सकते हो। आया यही सोच के था, फिर इसको लगा नहीं यहीं पर टेस्ट सीरीज करते हैं। अप्रैल में फिर टेस्ट पेपर देने गया, फाइनल एग्जाम देने गया, मई में वापस आया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस बच्चे से जानोगे, तो एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम सही समय पर सही डिसीजन लें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये बच्चे के, इन बच्चों के एक्सपीरियंस से आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। हाँ, ये जरूर है, अवार्ड सेरेमनी के बाद कुछ बच्चों के रिजर्वेशन से चले गए, वो बच्चे जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे उनसे भी मैं मिलवाऊंगा, पर अभी भी काफी सारे बच्चे हैं और मैं सबके हर बच्चे का इंडिविजुअल आपके साथ सेशन शेयर करूंगा। और इन सेशन को जरूर देखिए और समझिए कि क्या चीजें हैं जो आपको डेवलप करनी चाहिए। तो आप इनको सारी चीजें बताओ लक्ष्य, और कैसे क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में हुई, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करो, तो इन बच्चों को डेफिनेटली फायदा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य है, मैं पानीपत हरियाणा से। मैंने इस साल अपेयरिंग के साथ साथ नेम सेट का एग्जाम दिया जिसमें ऑल इंडिया रैंक मेरी 36 रही, सर की गाइडेंस की वजह से और मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट ईयर की जब मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ C++ और C की वीडियोस देखता था तो वो ऑनलाइन सौरभ शुक्ला सर के थ्रू पढ़ता था, तो उसमें सर इतना अच्छा पढ़ाते थे तो हमें लगता था कि जिस तरह से सौरभ सर जहाँ से पढ़े हैं अगर हम भी वहाँ से पढ़ेंगे, या मुझे लगता था कि हाँ बहुत अच्छे कॉलेज से इनका स्टडी रहा होगा, तो था कि जहाँ से सौरभ सर पढ़े वहीं से पढ़ा। तो सर ने एक सेशन लिया था जिसमें सर ने बताया कि मैंने निम सेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें ऑल इंडिया रैंक 6 और सर ने मैनेट भोपाल से एमसीए की, और सर ने फिर बताया कि शरद सर से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी निम सेट के लिए। तो उन्होंने सर के साथ जब निम सेट के लिए एक सेशन लिया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और कौन से ईयर में स्टार्ट करना चाहिए, तो सर का ये लाइन हर एक सेशन में रहती है कि जब आपको पता चले वही आपका राइट टाइम है, ये नहीं कि उस टाइम लेट हो चुके हो या आप जल्दी हो। तो था मेरा फर्स्ट ईयर, लेकिन मैं उस टाइम पर स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि घर से मैंने खुद अपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें क्या था कि मेरे को सिर्फ प्लस टू तक के बोर्ड तक के क्वेश्चन सोल्व करना और ये कॉम्पिटिटिव के लिए कभी पढ़ा नहीं था मैथ्स। तो सर एक साल मैंने क्या एक ट्यूशन स्टार्ट की घर पे, ट्यूशन स्टार्ट की क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो पेन ड्राइव कोर्स भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने एक साल पेन ड्राइव के लिए ट्यूशन्स पढ़ाई, फिर जब सेकंड ईयर में तो फाइनल ईयर में हो आया मैं, तो मैंने एक लैपटॉप EMIs पे और पेन ड्राइव कोर्स लिया। उसके बाद मेरे अगस्त में मैंने जब पेन ड्राइव से स्टार्ट किया तो 3-4 महीने मैंने नवंबर तक स्टडी की क्योंकि नवंबर में मेरे एग्ज़ाम थे, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स।
तो उस टाइम तक जो मैंने स्टडी की उसमें क्या था कि बहुत अच्छा से स्टडी चल रही थी, लेकिन ये था कि घर पे टाइम हम कम दे सकते थे क्योंकि वो कॉलेज भी रेगुलर जाना होता है और ट्यूशन भी पढ़ानी थी, तो मैं टाइम कम टाइम दे पाता था। तो दिसंबर में मैं पहले एक मेरी वीडियो थी चैनल पे ही है जिसमें मैंने बताया था कि मैं एक वीक के लिए यहाँ पे सिर्फ ये देखने आया था कि जो मेरे कंपटीटर्स हैं वो किस तरह से स्टडी करते हैं। तो मुझे लगा था कि हाँ, अगर मैं उनको देखूंगा तो मुझे लगा कि मैं किस लेवल तक का पढ़ रहा हूँ, क्योंकि घर बैठे हमें कंपटीशन रियलाइज नहीं होता कि कितना, क्योंकि हमें लगता है कि क्योंकि कई ऐसा एक तरह का स्टीरियोटाइप बनाया गया कि इतना ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन इतना भी इजी एग्जाम भी नहीं है। अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितने जेईई वाले बच्चे भी करते हैं। तो जनवरी में मेरे मुझे लगता है कि वो मेरा लाइफ का बहुत अच्छा एक डिसीजन रहा था, जो मैंने वीडियोज में भी कहा था कि अगर 1% भी किसी को लगता हो उसे आना चाहिए, और उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स आए भी थे और उनका रैंक अभी आप वीडियोज में देखना कि बहुत ज़्यादा अच्छा आया है जनवरी में आने के बाद भी। तो जनवरी से लेके मैंने मार्च तक 3 महीने यहाँ पे स्टडी की थी, उसमें अब लगता था मुझे कि मैं सबसे पीछे हूँ, लेकिन उसमें क्या था कि सर ने हमेशा कॉन्फिडेंस इस बात का दिया कि शायद तुम किसी से पीछे होगे लेकिन तुम आगे बहुत सारों से हो। हमें कोई एक कॉल हमें अपनी सीट सिर्फ अपनी सीट देखनी है, हम बाकियों की सीट देख के क्या करेंगे, हमें तो अपनी एक सीट चाहिए ना अपनी कोई भी NIT में। तो ये सब चीज़ें और कभी भी ऐसा मन में हमेशा ये बात ज़रूर आती थी कि ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो प्रतीक सर और शरद सर की गाइडेंस यहाँ पे इस तरह से रहती थी कि हमेशा मतलब 2-3 बार मैं प्रतीक सर के पास भी गया, प्रतीक सर से पूछा कि इस तरह से मैं ड्रॉप ले लूँ तो क्या मेरा अगले साल रैंक अच्छा आ पाएगा। तो प्रतीक सर ने और शरद सर ने एक बात पूछी थी, क्या आने के बाद इम्प्रूवमेंट हुई है? जब मेरे को मैंने कहा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुई है, कहते बस फिर दूसरी कोई थॉट मन में आनी नहीं चाहिए। ये शरद सर के बाद मैंने फिर 2-3 जब मार्च आया, मार्च में मैंने प्रतीक सर से भी पूछा कि, तो प्रतीक सर ने हमें मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं, क्योंकि टेस्ट में जो रैंक होती थी उसमें कभी मतलब टॉप 10 में या टॉप 5 में रहता था, लेकिन कभी भी ऐसे रहता था कि भाई शायद अगली बार ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि इस बार मैंने सिलेबस इतना डीपली नहीं कवर किया। लेकिन आफ्टरऑल यही होता है कि आपको जो रैंक होगी ना आपकी जज उसी 2 घंटे में होगी जिस दिन एग्ज़ाम होगा। तो आपकी ये तो क्या होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में जो आपको आती होंगी और कोई ऐसा भी जो 2 साल से भी प्रिपेयर कर रहा होगा उसने कभी नहीं देखी होगी या उसका ध्यान नहीं रहा होगा, तो वो तो बाद की बात होती है हम रैंक क्या लाएंगे या क्या आएगा रैंक या कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन मेन क्या है कि हमने कभी रुकना नहीं है स्टडी करते टाइम, ना ही कभी फोकस लूज करना है। अगर हमने एक बार स्टार्ट किया है तो रैंक और ये सब चीज़ें रिजल्ट आने के बाद ही हमें आपको अपने आप को जज भी नहीं करना चाहिए कि किसी भी स्टेज पर अगर आप हो कि हम बाकियों से पीछे चल रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, क्योंकि रिजल्ट क्या, क्योंकि एक रैंक सभी बच्चों की नहीं आ सकती, कोई भी एक टॉपर होता है तो एक रैंक कभी भी किसी की भी नहीं आएगी। तो हमें सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, जो जैसे शरद सर ने हमें पूरे साल में गाइड किया इसी तरह से नॉलेज के लिए पढ़ते रहे। तो और इस तरह से रहा कि जब मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए चला गया तो 1 महीने अप्रैल पूरे में मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाया था निमसेट का, क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल लेके गया था लेकिन क्या था कि मैंने 3 महीने में अपने जो सब्जेक्ट्स थे वो थोड़े बहुत ही कवर किए थे, इतने ज़्यादा नहीं, किसी बहुत कम सिलेबस 20% सिलेबस किया था। उसके बाद फिर जब मैं घर गया तो 1 महीना पूरा फोकस मेरा उसी पे रहा, तो 1 महीने में मैथ्स पे बहुत ज़्यादा गैप आ गया था कि मेरी स्टडी में मेरी स्पीड भी बहुत कम हो गई थी। मैं जब 6 मई को यहाँ पे दोबारा आया, 6 मई के बाद 15 मई को हमारा BHU का एग्ज़ाम था, तो 3-4 दिन में मुझे फिर सारे फॉर्मूले रिवाइज करने थे और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई सारे उस तरह की स्पीड नहीं बन पाई थी। 7-8 दिन बाद भी मैंने जब प्रतीक सर के पास गया कि सर इस तरह से दोबारा स्पीड नहीं आ रही उतनी, क्योंकि हमारा BHU का एग्ज़ाम भी है जो एक सीरियस एग्ज़ाम है, BHU में बहुत अच्छी MCA कोर्स है। तो प्रतीक सर ने कहा था कि नहीं, अभी जितना जैसा भी कर रहे हो पढ़ाई वही ठीक है, आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप करिए। तो BHU का एग्ज़ाम दिया, बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगता था कि और अच्छी आ सकती थी, लेकिन क्या था कि मेरे पर टाइम थोड़ा कम मिला था, 7-8 दिन दोबारा मुझे रिकवर करने के लिए मिले, तो उसमें भी अच्छी रैंक आई, 118 रैंक आई BHU MCA में। उसके बाद फिर जब उसके बाद 10-15 दिन का गैप और मिला मुझे NIMSET के लिए, और NIMSET से 1 दिन पहले जैसे सर कहते हैं कि कभी जो पूरा साल पढ़ता है उसको लास्ट दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लास्ट दिन हमने अपने आप को रिलैक्स किया और जो और हमें ना लास्ट के जो वीक था उसमें 3 या 4 टेस्ट पेपर्स इस 3 या 4 से ज़्यादा ही टेस्ट पेपर्स इस तरह के दिए गए थे जिसमें ना मैथ्स जो था वो ना अनएक्सपेक्टेड मैथ था, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें 2 घंटे वो पूरे मैथ्स को देंगे तब जाके
हमें वो सारा मैथ बन पाएगा जैसे जेई के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जेई के क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस के लिए एक आर का टाइम मिलता है अगर देखा जाए, डिवाइड किया जाए। तो इस साल का जो निमसेट का एग्जाम था वो भी क्या था कि एक जेई के ही लेवल के क्वेश्चंस थे, जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस थे, और उसमें भी टफ वाले ही, इतना ज़्यादा ईजी पोर्शन भी बहुत सारा नहीं था, और अबव एवरेज लगा कह सकते हैं कि हम एग्ज़ाम था मैथ्स का, और रीजनिंग का भी इसी तरह का पोर्शन था। तो जब एग्ज़ाम शीट हमें मिली थी तो जो जब सब ने देखे क्वेश्चंस पेपर सा अपने, बाद में जब सब ने एक्सपीरियंस शेयर किया तो मैंने भी क्या किया था, जब देखा तो मुझे ना एक स्कैनिंग राउंड सर ने बताया है, जिस तरह से हम स्कैन करते हैं पहले पेपर को, उसमें हम देखते हैं कि जो इजी इजी हमें लग रहे हैं कि जो हमने पहले जिस मेथड पे एग्ज़ाम क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं उसे हम सबसे पहले मार्क करके उसे सोल्व कर देते हैं। तो हमने जब देखा तो कहीं 20-25 क्वेश्चन भी या 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिल रहे थे, ऐसे लग नहीं रहा था कि जो इजीली सोल्व हो पाएंगे, जो मतलब नॉर्मल एवरेज क्वेश्चंस थे जो हम सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चंस थे उनमें क्या था कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम था। अगर हम उस पर टाइम देंगे तो श्योर नहीं है कि अगर जो आंसर आएगा हम उस पर श्योरली मार्क कर सकते हैं, तो हम पूरे 2 घंटे भी उस मैथ्स को नहीं दे सकते। रीजनिंग और कंप्यूटर में हम बहुत ज़्यादा गेन कर सकते थे। तो इसी तरह से मैंने सिर्फ अब लग रहा है कि सिर्फ 26 क्वेश्चंस थे, लेकिन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे जितना मार्क्स भी आए उस क्वेश्चंस में मेरे, उसके अकॉर्डिंग भी 36 रैंक है। तो इसका मतलब हाईएस्ट भी कोई इतने इससे ज़्यादा नहीं रहे होंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। मैंने 26 क्वेश्चंस मैथ्स के अटैम्प्ट किए थे जिसमें 24 राइट थे मेरे, 2 रॉन्ग थे। उसके बाद जो प्रतीक सर ने कंप्यूटर करवाया था उसमें सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ, और भी यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि सर ने जो भी क्वेश्चंस करवाए थे 10 के 10 क्वेश्चंस सभी सेम उस पैटर्न पे थे, यहाँ तक कि 1-2 क्वेश्चंस तो वही थे जो सर ने हमें शीट्स दी थी उसके रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो हमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं था मैथ्स में, कंप्यूटर में मैंने 8 क्वेश्चंस किए थे जो सभी ठीक थे, 80 था, तो उससे 64 जब लो स्कोरिंग एग्ज़ाम था तो उसमें 64 मार्क्स बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। उसकी वजह से मेरे मार्क्स जो थे 400 से अबव जा सके, और इंग्लिश का पोर्शन जैसे हम सर कहते थे कि अगर आती है तो 2-3 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया। रीजनिंग इस बार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। तो इस तरह से मेरा जब एग्ज़ाम के बाद बाहर आए तो सभी को आपस में देखा तो सभी को पता था कि इस बार एग्ज़ाम बहुत टफ था। तो जब स्कोर कैलकुलेट किए थे आंसर कीज आने के बाद, 2-3 बार कुछ चेंज भी हुए आंसर कीज में, तो आंसर कीज के अकॉर्डिंग लास्ट में मेरे मार्क्स बने 412.5। तो उसके अकॉर्डिंग सभी को क्या था कि लास्ट टाइम 412 इतने मार्क्स पे कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया था, अलाहाबाद या कोई टॉप 5 में से कॉलेज मिल जाता था जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो हमें मुझे ये था कि हाँ कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो जो बाकी यहाँ के स्टूडेंट्स थे उनके 300 की रेंज में मार्क्स भी थे, तो हमें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि हमें रैंक किस अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि हम जज नहीं कर सकते थे लास्ट ईयर के बेंचमार्क को मान के। तो लेकिन जब रैंक आई तो बहुत अच्छी आई, और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से और सर की गाइडेंस से, शरद सर और प्रतीक सर की गाइडेंस से, और मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जब भी मेरा मोरल डाउन होता था तो मैं अपने दोस्तों के पास ही जाता था, क्योंकि मेरे जो कॉलेज में पढ़ने वाले फ्रेंड्स थे और मेरे स्कूल वाले बहुत सारे अच्छे दोस्त और यहाँ पे रहने वाले, मतलब मुझे ऐसे गाइड करते थे कि जैसे बड़े भाई किस छोटे भाई को बताते हैं कि हाँ तू लेट आया तो तुझे ये करना चाहिए, तुझे इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, तुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तुझे पूरी बुक सोल्व करने का टाइम नहीं है तेरे पास 2-3 महीने में। और जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे तो जब मोरल डाउन होता था तो मैं कहता था कि शायद यार हो ना हो, तो वो हर एक दोस्त ये ज़रूर कहता कि वो ज़रूर कहते थे कि भाई अगर तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा, क्योंकि सभी आपस में हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को इतना जानते हैं कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है। तो मैं उनको भी यहाँ से इस स्टेज से थैंक यू करना चाहूँगा, और शरद सर को भी। लक्ष्य और एक और बात मैं बताऊँगा, जैसे फाइनल ईयर के साथ आया, पहले इसने पेन ड्राइव से बहुत अच्छे से स्टडी की, आज नया कोर्स पेन ड्राइव में, आपने जब करा था जब तो ठीक था, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट भी कर दिया पेन ड्राइव में एकदम लेटेस्ट, क्योंकि इम्पिटस गुरुकुल में IIT का कोर्स भी ऑनलाइन है, MCA का कोर्स भी है, NDA का भी, तो इसलिए अपडेट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। पर मैं कुछ एक बात और बताना चाहूँगा, वो बात भी आप शेयर करो अपनी, जो आप एक्चुअल में ड्रॉप लेने का बार बार, क्योंकि मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ, फाइनल ईयर वाले को भी, सेकंड ईयर वाले को, पहले अपना 100% फोकस रखो फिर देखो क्या होगा। तो ये बच्चा मेरे पास कई बार इस बात के लिए आया कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस बार नहीं कर पाऊंगा, बहुत लेट स्टडी की है, तो क्या ड्रॉप लेना पड़ेगा? और मैंने एक ही बात बोली कि ड्रॉप की जरूरत जब पड़ेगी, जब रिजल्ट हमारा आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो वो एक चीज जरूर शेयर करो, क्योंकि जो फाइनल ईयर वाले बच्चे उनके मन में ये बहुत ही शंका रहती है कि मुझे ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा। जब मैं जनवरी में आया था, जनवरी में स्टडी करने के 10 दिन बाद ही मैं सर के पास गया था कि सर
मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। और मैंने अभी बताया भी कि सर ने एक ही चीज़ पूछी थी कि क्या इम्प्रूवमेंट है, तो मैंने हाँ कहा, तो सर ने कहा कि कोई और बात सोचनी नहीं है। उसके बाद भी क्या था, जब यहाँ पे रैंक आती थी तो कुछ एग्जाम्स में तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक चल रहा है, लेकिन एग्जाम के पैटर्न जो होते थे, जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभी ईजी एग्जाम रहता है, किसी किसी में टफ रहता है। तो जो ईजी होगा वो सभी अटैम्प्ट करेंगे, जो टफ होगा वो सभी ही छोड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम अपने आपको जज करते थे कि इस एग्जाम में तो मुझसे इतने ज्यादा क्वेश्चन हुए ही नहीं, शायद अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, शायद एक साल और चाहिए। लेकिन वो एक साल बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम, बहुत ज्यादा फर्क डालेगा, अगर क्योंकि जो अपीयरिंग वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि हाँ हमें ये भी करना है, ये भी करना, तो वो सभी चीजें साथ हो जाती हैं। ड्रॉप में ड्रॉप लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा इस बार का रिजल्ट नहीं आया है तो हमें ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर ड्रॉप लिए बिना ही हम सोचेंगे, और मैं बताता हूँ कि जब मेरा एग्जाम था निमसेट का ही, 10-15 मिनट एग्जाम जब शीट मिल गई थी ना, उसके बाद भी मेरे मन में एक थॉट आया कि ना, क्योंकि 15-20 मिनट में भी सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन सोल्व हुए थे और मार्क किए थे, और क्वेश्चंस इस तरह के थे कि जिसमें हम श्योर नहीं थे कि हाँ ये करेक्ट भी होगा, क्योंकि इस तरह का पैटर्न था तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि हाँ ये सब मुझे पूरे मार्क्स गेन करके देंगे। तो 2 मिनट मैंने ये सोचा कि शायद ना अगली बार ढंग से करूँगा, तो उस टाइम क्या हुआ कि ना मन में से ना डर हट गया रिजल्ट का। और मुझे लगता है कि ये पहले भी मेरे, जब मैं यहाँ पे 3 महीने आया तो 3 महीने में बिल्कुल डर नहीं था, जब सर से एक दो बार पूछा था कि ड्रॉप के लिए तो मन में नहीं रहता था। लेकिन मैं क्या, ये थोड़ी ये भी होता था कि मैं ना अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी जाता था कि सर अगर कुछ शरद सर या प्रतीक सर के पास जाओ तो वो अपने हमारी कंडीशन अच्छे से बता सकते हैं, उससे ये होता है कि हाँ हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अपना तो ठीक है, डर नहीं है, लेकिन सर अगर बताएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी रहती है अपने माइंड में। तो उस टाइम भी 2 मिनट के लिए लगा कि ना अगले साल अच्छे, उस टाइम जैसे ही डर निकला ना एग्जाम के टाइम पे, तो उस टाइम मेरे माइंड में ये था कि बस जितने भी सोल्व होंगे उतने करके जाऊंगा, कोई भी गैसिंग नहीं करूंगा। और गैसिंग नहीं की उसी वजह से, क्योंकि उसमें क्या था कि 30 या 32 क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। अगर मान लो हमें एक क्वेश्चन मिलता है ईजी सा, जो हमें लगता है कि सोल्व हो पाएगा, अगर वो सोल्व होके हमने गलत मार्क कर दिया तो हमारे पास चांस नहीं है कि हम कोई और क्वेश्चन ढूंढ के उसे रिकवर कर लें। क्योंकि जो इजी एग्जाम होता है उसमें अगर आप मैथ की 50 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, अगर जल्दी जल्दी सोल्व करने में एक गलत हो गया तो हम उसकी जगह पे 2 और क्वेश्चन सोल्व करके उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन टफ एग्जाम में हमको क्वेश्चन ढूंढना ही बहुत मुश्किल होता है। टोटल क्वेश्चन भी मेरे 48 या 49 अटेम्प्ट थे, तो उसमें भी इस टाइम पे नंबर वन मतलब त्रिची कॉलेज मिलना तो हमने सोचा नहीं था किसने कि भाई इस तरह से इतने रैंक में डिक्रीमेंट, इतना कम मार्क्स पे भी इतना रैंक आएगा। क्योंकि अब ये हम अपने आप भी कम मार्क्स नहीं कह सकते, क्योंकि 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस तो वैसे अभी नहीं कर सकते, लेकिन जब जेई के लेवल के क्वेश्चंस होंगे तो हमें 1 घंटे के लिए, जब वो 30 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा एक आवर का टाइम देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 1 आवर में हम 50 क्वेश्चंस तो वैसे भी नहीं अटैम्प्ट कर सकते। जो हमने 26 अटैम्प्ट किए तो वो जेई के अकॉर्डिंग ही है, और बाद में जो रीजनिंग और कंप्यूटर, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ लास्ट, जब जैसे हमेशा रहता है कि 700 मार्क्स रहता है, तो हम उसको बेंच मार्क नहीं मान सकते हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए। और ड्रॉप की बात तो मेरे जितनी बार भी आती थी तो मैं सर के पास जाता था। तो अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है तो वो भी क्या कर सकते हैं कि अगर उसे लगता है तो ज़्यादा इस बारे में मत सोचे, अगर कभी लगता है तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करें रोज़ इस चीज़ में, इस बारे में अपने दोस्तों से, अपने और शरद सर से, या हम यहाँ पे इम्पिटस में कॉल करके ज़रूर पूछ सकता है। क्योंकि जब किसी का सपोर्ट रहेगा तभी आप दूसरी बातें सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1 महीना 2 महीना ड्रॉप के बारे में सोचते रहोगे, उससे अच्छा है कि अगर आप अपना सिलेबस कवर करोगे तो आप वहाँ से बहुत आगे निकल चुके होगे, ड्रॉप वाली जो बात होगी ना उससे बहुत आगे निकल चुके होगे। अगर मान लो ड्रॉप लेना भी पड़ा तो वो रिजल्ट के बाद लेते हैं, अपनी मेहनत के टाइम पे नहीं। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि ड्रॉप के बारे में मेहनत करते टाइम नहीं सोचना, रिजल्ट के बाद सोचना है। रिजल्ट रैंक जब आएगी उसके अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं कि अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी, या अच्छा कॉलेज और चाहिए तो ड्रॉप सोच सकते हैं। ऐसे मेहनत के टाइम पे तो फिर मेहनत के टाइम पे सिर्फ ये सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, यही थॉट रखना है माइंड में। अगर मान लो हम पढ़ते थे तो एक टाइम पे सर ने कहा था कि अगर आप चाहे क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, या एक क्वेश्चन पेपर सोल्व भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, तो भी उस टाइम पे एक क्वेश्चन को ही देखना, तो उसी को सोल्व करना, ये नहीं कि उससे आगे या पीछे वाले को देखते रहना कि बीच बीच में हाँ शायद इसमें ये वाला जल्दी सोल्व हो जाएगा तो उसको करें जी। एक टाइम पे फोकस होना चाहिए ना, तो एक टाइम पे अगर आप नीम सेट की तैयारी कर रहे हो और उसमें भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के टाइम पे प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ड्रॉप पे नहीं, ड्रॉप आप प्रैक्टिस के बाद सोचो। थैंक यू सर।
देखिए लक्ष्य ने कितनी अच्छी बात की, और देखिए इसके अटेम्प्ट कम थे पर एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई था। और क्या होता है, जैसे इसका 36 रैंक है, फर्स्ट रैंक है, 10th रैंक है, ये सब में फर्क नहीं पड़ता, केवल 2-3-4 क्वेश्चन का ही अंतर होता है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि मैं हमेशा पेपर टफ हो, इजी हो, आपको कोशिश, और ना ये सोचो सिलेक्शन होगा कि नहीं, आप तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए, कंसेप्ट बना के पढ़ाई करिए, उसका फायदा मिलेगा। और लक्ष्य ये आपकी अभी शुरुआत है कि एनआईटी त्रिची जैसे कॉलेज में जा रहे हो, अब आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे करना है, अपने सराउंडिंग को, क्योंकि हमें एक अकेला आगे नहीं बढ़ना, हमें कईयों को आगे बढ़ाना है, और इंपिटस गुरुकुल का यही मोटिव भी होता है। तो मैं चाहूंगा आगे भी बढ़ाओ, एंड ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन।